हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 की। तो एक्सरसाइज 1.3 में हम प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉन्ट्रडिक्शन पे बेस्ड होते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी चीज हमें प्रूव करनी होती है हम उसका जस्ट अपोजिट चीज को ट्रू मान लेते हैं। लास्ट में आते आते हम क्या करते हैं, जो हमने अज्यूम किया है हम उसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल चीज प्रूव करने को थी वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमने उसका जो जस्ट अपोजिट चीज थी उसको गलत साबित कर दिया। तो इस एक्सरसाइज में जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन होता है वो इस टाइप से होता है, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे कोई भी एक नंबर दिया होगा जिसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो इरेशनल है। तो एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक। तो क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया है तो हम इसको दो नंबर के रेशो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर को हम दो नंबर के रेशो में एक्सप्रेस कर सकते थे, पी बाय क्यू लिखते थे हम उसको, हमने यहाँ पे उसको ए बाय बी की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो हमने रूट 5 इक्वल टू ए बाय बी रख लिया और हमने यहाँ पे ए और बी को कोप्राइम एज्यूम कर लिया, ठीक। कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ऑन स्क्वायरिंग तो रूट 5 स्क्वायर होके हो गया 5 और इस तरफ ये स्क्वायर होके हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां से अगर हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो ए स्क्वायर अपॉन 5 हो गया, ठीक। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब ए भी डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 वन जा 3 टू जा, तो ये डिवाइड होकर आ जाएगा 12। तो अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 6 भी उस नंबर से डिवाइड होगा। यहाँ पे 6 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा, ठीक। तो क्योंकि अब a जो था वो 5 से डिवाइड हो रहा था तो a को हम 5 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू हम 5c लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इस 5c को हमने जो इक्वेशन 1 थी उसमें रख लिया, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ठीक। तो a की वैल्यू यहाँ पे रख ली हमने, तो ये हो गया 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। तो इसको अगर हम कैंसिल कर लेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो ये बी स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है इसका मतलब बी भी जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। तो हमें इससे ये पता लगा कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 भी है। तो देयरफॉर ए एंड बी हैव 5 एज देयर कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर इनका 5 कॉमन फैक्टर है तो हमने तो अज्यूम किया था स्टार्टिंग में ये कोप्राइम है, और कोप्राइम है तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए था। तो ये तो हमारे जो अजम्पशन था उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है। क्योंकि ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि ये कोप्राइम थे, क्योंकि इनका एक और जो नंबर है वो इनका फैक्टर है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल अज्यूम किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 जो है वो रैशनल ना होके इरैशनल है, ठीक। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज ड्यू टू आर अजम्पशन ऑफ रूट 5 एज रैशनल, देयरफॉर रूट 5 इज इरैशनल। तो इस एक्सरसाइज में एक और प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी वेरिएशन के साथ। तो एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है प्रूफ 3+2√5 इज इरैशनल। तो हमें 3+2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले 3+2√5 को रैशनल अज्यूम कर लेंगे, ठीक। तो अगर हमने इसको रैशनल अज्यूम किया है तो हम इसको a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे a और b को प्राइम है यानी इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक। तो फिर हम इस 3 को लेफ्ट साइड से ले जाके राइट साइड में ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू a by b माइनस 3। तो अगर इसको हम और सॉल्व कर ले तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा a माइनस 3b अपॉन b जो कि इक्वल है 2√5 के। तो यहां से अगर हम रूट 5 की वैल्यू निकाल ले तो ये आ जाएगी a माइनस 3b अपॉन 2b, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो a और b हमने एज्यूम करे थे तो वो इंटीजर्स थे, तो इसलिए जो ये एक्सप्रेशन है a माइनस 3b अपॉन 2b, तो ये पूरे का पूरा रैशनल हो जाएगा, ठीक। तो अगर a माइनस 3b अपॉन 2b जो है वो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ रूट 5 भी रैशनल नंबर हो। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं रूट 5 इज रैशनल।
लेकिन हमें तो पता है कि रूट फाइव इरेशनल है, हमने जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया है इसको कि रूट फाइव तो इरेशनल होता है, तो हम लिख सकते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरेशनल। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है तो इसका मतलब हमने कोई चीज गलत अज्यूम करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 3+2√5 को रैशनल अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3+2√5 जो है वो रैशनल ना होके इरेशनल है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन ऑफ 3+2√5 एज रैशनल, therefore 3+2√5 is irrational। तो इसी टाइप से इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हो। तो अब बात करते हैं 1.4 एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक रैशनल नंबर दिया होता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, और उस फ्रैक्शन को बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए हमें ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डिजिट है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट है। ठीक, तो अगर कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर दिया हो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और अगर हमें उसे बिना एक्चुअली डिवाइड किए ये पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट, तो हम उस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसके फैक्टर्स बना लेंगे। अगर उसके फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं बनते हैं, सिर्फ 2 और 5 ही उसके फैक्टर्स बनते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग डिजिट होगा, या सिर्फ 2 ही उसका फैक्टर है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर सिर्फ 5 ही उसका फैक्टर है तो भी वो टर्मिनेटिंग डिजिट होगा, इसके अलावा कोई भी उसका अगर फैक्टर बनता है तो वो टर्मिनेटिंग डिजिट नहीं होगा, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, चेक इफ द गिवन रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जो पहला नंबर है हमारे पास जिसको हमें चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, वो है 13/3125। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें नीचे 3125 के फैक्टर्स बना लेंगे जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो सारे 5 बनेंगे। ठीक है, तो 3125 को हम 5 × 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि सिर्फ 5 ही इसका नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर बन रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डिजिट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस 5 इज द ओनली फैक्टर ऑफ क्यू, देयरफॉर 13/3125 इज टर्मिनेटिंग नंबर। इसी टाइप से हम एक और नंबर चेक करते हैं 129/2⁻²⁷⁷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 ⁷
7 भी इसका एक फैक्टर है, तो क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होने चाहिए, तो इसलिए पूरे का पूरा जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, 7 इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ क्यूब, देयरफॉर 129 अपॉन 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर 1 खत्म हुआ। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।